guys, you're watching Bros Reactions. My name is Kazim. My name is Anubhav. और मेरा नाम है मुकम्मल खूबसूरत. और reaction वो जो दिल से निकले. तो आज इस वीडियो में हम लोग reaction देने जा रहे हैं. ये है stand up comedy by Anubhav Singh Bassi. और इसका नाम है वीडियो का वैक्सिंग. वैक्सिंग. और वैक्सिंग I guess. Yeah, I guess. और यहाँ पे वीडियो सजेस्ट की है सोनम ने. सोनम ने भी की है और मैंने बहुत सारे लोगों की सोनम ने असल में लिखा था वीडियो पे कि भाई अब मैं रो दूंगी अगर आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सोनम तो, नहीं वीडियो आ गई है और ये मे बी पॉसिबल कि आज ही अपलोड हो जाए. आज ही होगी जब तुम बोल रहे हो वीडियो में तो आज ही होगी. और मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग रिक्वेस्ट आप लोग करते हैं हमसे वीडियोज का लेकिन सब होती हैं सब हम पूरी करते हैं. थोड़ा बहुत एडिट में टाइम लगता है थोड़ा बहुत अपलोडिंग में होता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब अपलोड होते हैं. इतनी मोटी कॉपी है जिसके ऊपर आप लोगों की वीडियोस लिखी हुई है. क्या कर रहे हैं एक एक करके हमारे मुकम्मल खूबसूरत डेली लिखते हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट आगे. सो लेट्स प्ले द वीडियो अब हम करते हैं बात. क्या ना मैं मेरे से जा टू हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो. हाँ ये कोई नहीं कहता तभी सरना बस बोल दिया स्ट्रांग मैंने मान लिया. रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया. भ्रम? हाँ मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे वो एक्सपैंड हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास चला गया. मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा दिखाओ. मैंने दिखाया क्या खड़े हो जाओ बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से. मैं क्या हुआ कह रहा पहले जाके वैक्सिंग करा के कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा. तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क सर मेरे तो बर्थ से है ना. सही बात है. बाल बाद में आए थे इतने आ गए बाल. मैं स्ट्रॉन्ग मैं बहुत स्ट्रॉन्ग. मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की टिक्की जोर से बंद करी स्विफ्ट बन गई थी वो. मैं इतना स्ट्रॉन्ग. मेरे घर से फोन आया कह रही है मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है मैंने कहा वैक्सिंग करा रहा हूँ. छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई. ये सब क्या करा रहे भैया. हाँ मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया खा ले एक बार फिर पता नहीं कब मिले. पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर. मैं तो हुआ क्या है तुम्हें ओवर रिएक्ट कर रहे. मैं स्ट्रांग मैं करा लूंगा अपने आप. वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे क्योंकि मेरा कुछ है मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है. कौन कौन रिलेट करेगा मतलब समझ रहे पाजी आप समझ रहे पाजी आप समझ रहे है कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही है मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो नहीं गिन पाओगे आप. कुछ ज्यादा ही है यार ये. मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे. क्या कर दो यार मेरे बाइसेप्स पे बाल है किसी के नहीं होते. बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं. राम रहीम बस ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है. मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं. मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में. मैंने तैयार हुआ मैंने अर्बन क्लैब से आंटी बुला ली. आंटी आई वैक्स करके चली गई. नहीं पाजी नहीं मैं बताता हूँ. मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना ये जो बैग में लेके आती है ये वैक्स का डब्बा ये होता है मौत का फरमान. और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर. ये घर घर जाके मौत बेचती औरत है. इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. ये प्रोफेशनल हो रखी है. ये घर में आई इसने कहा हाउ आर यू. मैंने कहा आई एम स्ट्रांग. कहती देखते हैं दो मिनट. ये आई इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए. फ्लेवर कहती इससे करा लो इससे दर्द कम होता है. मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं.
ये बताओ सस्ता कौन सा कैरीज से करा लो। मैं क्या कर दो, इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला उसको रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ, उसमें से निकली लपटे और मेरे फटने चालू। मैंने शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है, गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहती तो ठीक है मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। तेरी क्या है? ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कहती बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये, माली बुलवाना पड़ेगा। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे, कहती सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूँ ना इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके, पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। आप दोनों करोगे बस बच्चों दिखे कर रहे, एक मिनट कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। सरला भाई तुम्हें बताने भूल गई थी सॉरी, इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा जो लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे उससे। वो इतना गर्म था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। अरे यार फिर उठाया आंटी ने तिरपाल, तिरपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे, कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे मैं कहा आंटी एक सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला। मैं कहा ठीक। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दिया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या करा ये, मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी मैं आई यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। ओ भाई ये थे अनुभव सिंह बसी। तो भाई अब जिसने ही बोला था ना वैक्सिंग पे, हमने कर दिया, आप देख ले भाई हमने रिएक्शन दे दिया। ये थे अनुभव सिंह बसी जो क्या है नोएडा से ताल्लुक रखते ना, जो हमें पूजा ने भी बताया था। हाँ हाँ, हाँ, हाँ ये पूजा ने वीडियो सजेस्ट की थी हमें। पूजा हमारी एक बहुत अच्छी मेट है। बिल्कुल, तो पूजा ने भी सजेस्ट की थी और भाई बहुत सारे लोगों ने की थी। तो अभी तो खैर ये सोनम ने की थी हमें वैक्सीन की थी, बहुत कमाल की वीडियो की थी।
मजा आ गया। एक जो सबसे जो पावरफुल इसमें मुझे वो लगा ना वो बात रू निकलने वाली वो सबसे अच्छी थी, मजा आ गया। अच्छी थी। और वैक्सिंग इससे पहले हमने एक और पे भी किया था ना वो कौन सी वो भी अच्छी थी, क्लासरूम के पता नहीं क्या एग्जाम चीटिंग वो चीटिंग के ऊपर था, वो तो बहुत ही आला थी अनुभव सिंह बस्सी की, जिसने नहीं देखी वो जरूर जाके देखिएगा, तो वो तो बहुत कमाल अनुभव की थी, वो भी ना वो भी अनुभव सिंह बस्सी की थी। अच्छा वाह। तो ये है कि भाई हमने वैक्सीन भी कर दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे भी मजा आया, इनको भी मजा आया, जाहिर सी बात है। और वो बताया ना मैंने आपको रू निकलने वाला, वो सबसे अच्छा मुझे लगा। और साथ में कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इसी तरह अगर हमें वीडियो सजेस्ट करनी है facebook.com/brosreaction, वहाँ पे जाएं लाइक करें पेज और वहाँ पे वीडियो सजेस्ट करते हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे जाके हमें करें फॉलो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है कासिम नहीं है, मेरा ऑनर्स भी मेरा है mukammal_ खूबसूरत। और हमारा पेज है brosreation पे, जाइए वहाँ पे अपलोड, तो उसको जाके प्लीज सब्सक्राइब करें, वॉच करें। और साथ में ब्रोज रिएक्शन को अभी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिए जी, मत भूलिएगा। बहुत सारे ब्लूपर हो गए, ये ब्लूपर क्यों है बता दूं, ब्लूपर इसलिए हुए कि वीडियो का जो बैटरी है वो जा रही है, तो लेकिन So you guys are watching Bros Reactions. My name is Kasim, his name is Anubhav Singh Bassi, and his name is Mukammal Khoobsurat. Goodbye.